हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गोदरेज के न्यू लॉन्च की, जो कि वो लेके आ रहे हैं न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के ऊपर। सो ये उनका हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी दो वीडियो मैं बना चुका हूँ जब ये प्री लॉन्च के अंदर था, जिसमें मैंने एक में इसकी लोकेशन और कंपैरिजन किया था, जो स्मार्ट रोड का प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 66 में। और एक मैंने जब प्री लॉन्च के अंदर इनकी कुछ डिटेल आई थी, तब मैंने इनका वीडियो बनाया था। सो अब जो है इनका कल रेरा की डिटेल आ चुकी है, रेरा इनका आ चुका है, तो आज हम प्रोजेक्ट के बारे में आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये गोदरेज का प्रोजेक्ट है, न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आपका ये प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 49 के अंदर। सो लास्ट जो मेरा वीडियो था, उसमें मुझे कुछ कमेंट आए थे जिसमें उन्होंने बोला था कि ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे नहीं, अंदर जाके है। बिल्कुल सही बात है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से 150-200 मीटर अंदर जाके आप मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट का डिस्टेंस है आपका। ऑल्दो जो वो नैरो रोड थी 10 मीटर की और काफी एनक्रोचमेंट थी, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया होगा, अगर आपने देखा तो वो देख सकते हो, जिसमें वो जो एनक्रोचमेंट थी, गोदरेज ने काफी अच्छा काम किया। ऐसे काम डीएलएफ करता था, अभी भी करता है, चाहे आप उसका 77 प्रोजेक्ट देखो या न्यू गुड़गांव में जितने भी डीएलएफ के प्रोजेक्ट है, वो जाने से पहले जो भी इंफ्रा है वहां पे बूस्ट करता है, जब तक प्रोजेक्ट निकल के आता है तो इंफ्रा और ज्यादा बूस्ट करता है। तो गोदरेज ने भी यहाँ यही स्ट्रेटजी यूज की है, जो भी एनक्रोचमेंट थे रोड पे वो हटा दिए, और कहीं ना कहीं 10 मीटर की रोड जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं 18 मीटर की रोड हो जाएगी, इसमें कोई डिनाई नहीं है। मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आपका 1.5 से 2 मिनट का टाइम प्रोजेक्ट पे जाने पे लगता है। और वाटिका चौक की बात करोगे, वाटिका चौक का भी अब आप देखोगे मेक ओवर हो चुका है, चाहे आप SPR से DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जा रहे हो या एक्सटेंशन से SPR, तो जो जाम लगता था वो अब जाम नहीं लगता, बड़ा स्मूथली आप एक्सटेंशन रोड से SPR और फिर आगे आप क्लोवर लीफ के थ्रू आप द्वारका एक्सप्रेस वे जा सकते हो, राइट साइड दिल्ली जा सकते हो, लेफ्ट साइड आप जयपुर जा सकते हो, मल्टीपल आपकी कनेक्टिविटी ऑलरेडी है। तो ये ओवरऑल कनेक्टिविटी के बारे में था। और अब हम प्रोजेक्ट की जो है आगे बात करेंगे। बात अगर बिल्डर की करें तो पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है, 14 मेजर सिटीज में इनकी जो है प्रेजेंस है, गुड़गांव में भी अच्छी प्रेजेंस है और आगे और प्रेजेंस लाने वाले हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपको याद होगा माइक्रोटेक डेवलपर्स इन्होंने 28 करोड़ पे एकड़ के हिसाब से लैंड किया, CPR पे आ रहे हैं, गोल्फ कोर्स रोड पे आ रहे हैं, 79 के अंदर अब इनका प्रोजेक्ट है, और 79 के अंदर एक एच टावर के अंदर ये 3 BHK एक्सल साइज ला रहे हैं 2450 स्क्वेयर फीट, उसके लिए भी आप बात कर सकते हो। लिमिटेड यूनिट अभी अवेलेबल है, कल सैटरडे और संडे में जो है इनकी जो है वो यूनिट, जैसे आप EOI कर सकते हो उसके बारे में भी। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ये बिल्डर के बारे में था, और रेरा प्रोड आपका प्रोजेक्ट है, रेरा आ चुका है, 10 एकड़ की साइट है, 750 यूनिट है, और आपके जो है 6 टावर है, 3 ट्विन टावर का कॉन्सेप्ट है, और आपका MY1 कंस्ट्रक्शन है, 30 स्टोरी हाइट है। और अगर मैं बात करूँ इसके साइजेस की, पिछले दो वीडियो में साइजेस हमने टेंटेटिव बताए थे, सो ऑलमोस्ट वही साइज है, 3 BHK आपका है 1800 स्क्वेयर फीट, 3 BHK आपका 3 BHK यूटिलिटी 2400 स्क्वेयर फीट, 4 BHK 2800 स्क्वेयर फीट, 4 BHK एक्सल प्लस यूटिलिटी 3400 स्क्वेयर फीट। तो ये साइज है। साइजेस में देखने वाली बात की है कि एक्सटेंशन रोड पे आपको ये छोटा साइज मिलता नहीं है, तो जो भी छोटा साइज देख रहा है 1800 स्क्वेयर फीट का, आई थिंक उसके लिए ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक्सटेंशन पे आप जितने आप पिछले 1-2 साल के प्रोजेक्ट देख लो, ये साइज नहीं आया। तो गोदरेज ने बड़ा ध्यान से ये साइज लेके आया, क्योंकि ये साइज को लेने वाले भी मार्केट में काफी बैठे हैं, तो आई थिंक वो ये देख सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशन, तो गोदरेज आपको पता ही है अच्छा ही लेके आएंगे, इसके अंदर क्लब हाउस भी दे रहे हैं, फॉरेस्ट थीम दे रहे हैं, क्योंकि काफी ट्रीज है वहाँ पे, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये लेके आ रहे हैं। बाकी अगर हैबिटेशन की बात करूँ, तो जैसे मैंने बोला कि एक्सटेंशन की लोकेशन है, गुड़गांव की 2nd प्रीमियम रोड है, तो आई थिंक कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपके स्कूल्स हॉस्पिटल्स मेजर पूरा हैबिटेट लोकेशन के अंदर है, और एक्सटेंशन रोड की लोकेशन है, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करें, जैसे मेन जो अभी लोगों का कंफ्यूजन जो है प्राइसिंग पे आ रहा है, सो अब की बार गोदरेज ने क्या किया कि प्राइसिंग अभी रिवेल नहीं की है। अभी मैं अगर इनके प्रोसेस की बात करूं, तो अभी ये प्रायोरिटी जनरेशन करेंगे सैटरडे से, 8th ऑफ दिसंबर से जो है अपना प्रायोरिटी जनरेशन स्टार्ट करेंगे, और उस समय जो है अगर आपको चीज़ समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं चेक आपका बैंकेबल होगा। बैंकेबल होने के बाद जो है ये आपका जो है जब अलॉटमेंट के टाइम पे जो है आपको प्राइसिंग बताएंगे, और अगर आपको प्राइसिंग समझ नहीं आती तो वहाँ पे आप बैकआउट भी कर सकते हो विद इन 30-45 डेज। जो भी आपने 10 लाख या 15 लाख की UI दी है, तो वो आपका वापस हो जाएगा। 3 BHK छोटे साइज पे 10 लाख है, बड़े साइज पे 15 लाख है, 4 BHK छोटे साइज पे 10 लाख है, और बड़े साइज पे जो 15 लाख का UI है। तो अगर अलॉटमेंट के टाइम पे आपको प्राइसिंग समझ नहीं आती, तब आप रिफंड क्लेम कर सकते हो विदाउट एनी रीजन, दे विल गिव यू ए रिफंड विद इन 30-45 डेज। आई थिंक गोदरेज जैसा बिल्डर इतना चिंदी चोरी नहीं करेगा
कि रिफंड में भी आपका वो करेगा। तो पहली बात तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है तो आई थिंक आप ईओआई के थ्रू जा सकते हो। और प्राइसिंग अगर मैं बात करूं आसपास सोसाइटी की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो आसपास अगर प्राइसिंग की बात करूं, एमआर के जो प्रोजेक्ट है वो 16 से 17000 ट्रेड होते हैं। स्मार्ट वर्ड जिससे मैंने कंपैरिजन किया था अपने लास्ट वीडियो में, वो भी 19-19.5 के रेट पे ला रहा है। गोल्फ एस्टेट आप देखो एक्सटेंशन रोड पे 20 से 22 हज़ार, ट्रम्प टावर 24 से 26 हज़ार, लैटिट्यूड 18 से 20 हज़ार। तो एक्सटेंशन की अगर आप देखो रेट तो 18 से 22 हज़ार के बीच में ही घूम रहा है। और जो रिसेंटली लॉन्च पहले हुए थे एमआर का, आप देख सकते हो क्या रिस्पॉन्स आया था। डीएलएफ आपका जो प्रोजेक्ट आया था सक्सेस आरबोर, वो आप देख सकते हो, उससे पहले पूरी का प्रोजेक्ट आया था। तो एवरेज रेट देखोगे तो 18 से 20-22 हज़ार के बीच में चीज़ें चल रही है। तो गोदरेज की अगर अभी मैं प्राइसिंग की बात करूँ, प्राइसिंग रिवेल तो नहीं किया, बट कहीं ना कहीं 3.85 सीआर से स्टार्टिंग कह रहे हैं। मेरे को लगता है प्राइस थोड़ा सा हायर साइड है, और जब ये आई थिंक ये अलॉटमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग कम पे करेंगे। मैंने एक, आपको याद होगा, 1-1.5 महीने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम में बिल्डर जो है चेक की, जो आप जितने आप चेक देते हो, जितने रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइसिंग कहीं ना कहीं डिसाइड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से गोदरेज को इसका प्राइसिंग कहीं ना कहीं 18, 18.5, 19 के आसपास रखना चाहिए। और जो जो क्लाइंट जो है छोटा साइज देख रहे हैं 1800 स्क्वायर फीट 2400 स्क्वायर फीट, आई थिंक वो कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ यूआई देने के लिए, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट प्राइसिंग जब रिवेल करेंगे उस समय समझ में आएगा तो आपके पास कोई यूनिटी नहीं रहेगी। क्योंकि प्रायोरिटी जनरेशन इसलिए होता है कि आप अपने मनपसंद फेसिंग वाली यूनिट, कौन से आपको फ्लोर पे चाहिए, कौन से टावर पे चाहिए, कौन से फेसिंग चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी जनरेशन करा सकते हो। बट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी जनरेशन नहीं होती तो फिर उसके बाद जो यूनिट बची होती है वो आप देख सकते हो। तो आप जो है मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हो। प्राइसिंग मैंने बता दी, पेमेंट प्लान अभी नहीं आया है, बट मार्केट जो में जो ट्रेंडिंग पेमेंट प्लान है 30-30-40, 30-40-30, आई थिंक वही आएगा। गोदरेज फाइनेंस का जो MIB प्लान रहता है वो भी आ सकता है, बट अभी मुझे लगता नहीं है कि वो प्राइसिंग आएगा। बाकी पेमेंट प्लान तो रिवेल बाद में ही होंगे। तो अभी ओवरऑल इनकी ये डिटेल है, और सैटरडे से अपना प्रायोरिटी जनरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो इसके अंदर। बाकी ये ओवरऑल डिटेल थी। अगर कनेक्टिविटी आप देखना चाहते हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पूरी इसकी कनेक्टिविटी दिखाई है कि एक्सटेंशन रोड से क्या इसकी कनेक्टिविटी है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और बाकी वीडियो अगर अच्छा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।